जहां है गंगा यमुना सरस्वती का संगम, वहीं पर है राजनीति की कई धाराओं का उद्गम। देश को दिशा देता एक प्रदेश, जहां से नेतृत्व पाता है अक्सर ये देश। ढेर सारी खबरों का खजाना है उत्तर प्रदेश। हम इन खबरों से करवाएंगे आपको रूबरू। नमस्कार, केपीटीवी भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उर्वशी सिंह। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। जनपद औरैया में चोरों के हौसले बुलंद, याकूबपुर गैस गोदाम में सिलेंडर चोरी। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के याकूबपुर कस्बे में याकूबपुर इंडियन ग्रामीण वितरण गोदाम में 468 सिलेंडर चोरी। चौकीदार मनोज पुत्र लाला राम ने बताया कि रात्रि को लगभग 468 सिलेंडर चोरी हो गए, जिनमें से 258 सिलेंडर भरे हुए थे, 210 सिलेंडर खाली थे। चोरों ने चोरी पीछे के बाउंड्री को तोड़कर सिलेंडरों की चोरी को गोदाम के गेट की कुंडी काटकर सिलेंडर की चोरी की घटना को अंजाम दिया। जनपद औरैया से ब्यूरो चीफ संतोष कुमार पांडे की रिपोर्ट। क्या नाम है भैया आपका? मनोज कुमार। यहाँ पे क्या घटना घटित हो गई है? यहाँ पे साहब सुबह पिताजी मेरे लेटे थे, तो उन्होंने देखा, झाड़ू जब लगा के पीछे पहुँचे तो उन्होंने पीछे देखा दीवार टूटी हुई, तो उसमें क्या नाम, फिर उन्होंने आगे नहीं देखा, वो गए वहाँ बुला के ले आए मालिक को, तो ये ऐसा ऐसा हो गया है। उन्होंने देखा है तो ये लोग आए, फिर आगे देखा ताला टूटा, उन्होंने देखा सिलेंडर यहाँ निकले हुए सारे पाए गए, 468 सिलेंडर यहाँ से निकल गए, देखा था सर। अच्छा, कितने सिलेंडर चोरी हो गए हैं? 468। अच्छा अच्छा उसमें कितने सिलेंडर भरे हुए थे? उसमें भरे हुए थे 258, बाकी खाली सिलेंडर थे। हाँ, बाकी खाली थे। और यहाँ पे कोई रहता होगा यहाँ पे चौकीदार? हाँ, पिताजी रहते हैं मेरे। क्या नाम उनका है? श्री लाला राम। होटल भी दीवार तो पीछे टूटी है, पीछे निकाल नहीं पाया था।